वह जो गिर चुका है जो गिर पड़ा है गिर गया है उसे गिरने से डरना नहीं चाहिए ऑलरेडी गिर चुका है वो, सो ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल नीड्स एक वचन में एस लगता है क्रिया में एक और सेंटेंस देख लें दोज हु ग्लास हाउसेस बहुत अच्छा मुहावरा है जो अभी याद आ रहा है दोज हु In glass houses should not pelt stones at others. Those who live जो लोग कांच के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए ये काम सिर्फ राजा कर सकता है और राजा ना करे तो तो राजा मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी महबत भी कर सकता हूँ नहबत नफरत सिनाए सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते इसके भावार्थ क्या है क्या आप पता करिए बहुत सार्थक वाक्य है दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट पेल्ट स्टोन्स एट अदर पेल्ट करना मतलब फेंकना मारना पत्थर मार डोंट पेल्ट स्टोन मी देन ही पेल्टेड स्टोन मी फिर उसने मुझे एक पत्थर मार दिया राइट दे हु सीक ओनली फॉर फॉल्ट आर नथिंग एल्स दे हु सीक ओनली दे हु सीक दे बहुवचन है तो हु जो है वो भी बहुवचन बता रहा है और हु बहुवचन बता रहा है तो उसकी जो क्रिया है वह भी बहुवचन में होगी इसलिए सीख है सीख नहीं है राइट right. किंतु जिस उपवाक्य में संबंध वाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं उसकी क्रिया के साथ होने वाले संबंध में केस पर निर्भर करता है यह देख लें राम इज द बॉय हु रामा इज द बॉय हुबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ हुए संबंध पर संबंधवाचक सर्वनाम डिपेंड कर रहा है तो क्रिया के साथ कौन सा डिड है हु डिड इट रामा इज द बॉय हुट दिस इज एन एग्जाम्पल रामा इज द बॉय टू हूम आइस Spoke, to whom, whom है संबंध कारक कौन सा है whom है टू होम आई स्पोक राइट नाउ लेट एस अंडरस्टैंड अनदर आस्पेक्ट ऑफ pronoun. Pronoun का एक अगला बिंदु अब हम देखें और वो है कि रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में कहाँ पर आता है और इतने सारे वाक्यों के आधार पर आप समझ गए होंगे बट फिर भी थोड़ा सा हम स्पष्ट कर दें कि प्रोनाउन का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग कई बार रिलेटिव प्रोनाउन के शब्द को बहुत आगे पीछे कर देते हैं एंड इट फाइंड नो कनेक्शन विद द नाउन इट मस्ट कनेक्शन विद द नाउन द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इज द सन ऑफ माई फ्रेंड द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज देखिए कहां पर आया द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी हु वन द फर्स्ट प्राइज ये गलत हो रहा है द बॉय इज द सन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर जोशी हु वन द फर्स्ट प्राइज इसका अर्थ क्या है दोनों वाक्यों के अर्थ को देख लीजिए पहले वाक्य में द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज मैं उस बच्चे की चर्चा कर रहा हूँ जो पुरस्कार जीता है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ उस बच्चे की जो मिस्टर जोशी का लड़का है मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ बताना चाह रहा हूँ कि जो लड़का पहला पुरस्कार जीता वह उनका लड़का है दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है ये लड़का मिस्टर जोशी का है जिसने पहला पुरस्कार जीता दोनों वाक्यों में अंतर हो गया है तो आपको ये देखना होगा कि एम्बिगिटी से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो उसे हम एंटीसीडेंट के बाद कर देते हैं तुरंत एंटीसीडेंट के बाद ताकि अस्पष्टता न रहे द बॉय हु वन द बॉय हु वन सीधा ग्रामर आपका संज्ञा आता है या सर्वनाम है जो एंटीसीडेंट है उसके तुरंत बाद हम हु बोल देंगे बाद में हु नहीं आता दिस इज वॉट इज टू बी टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट अंडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड द प्लेसमेंट और द पोजिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विज ए विस नाउन और विज ए विस प्रोनाउन और फॉर दैट मैटर विज विस एंटीसीडेंट्स एंटीसीडेंट के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं लेटस टेक वन मोर सेंटेंस फॉर मोर क्लैरिटी आई विथ माई फैमिली रिसाइड इन ए विलेज नियर पुणे विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड टू चिल्ड्रन देखिए आई विथ माई फैमिली रिसाइड इन ए विलेज नियर पुणे विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ कहां पे आएगा आई विथ माई फैमिली अब फैमिली जो नाउन है उसके लिए विच आ रहा है आगे विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ तो आपको इसको पहले लाना पड़ेगा जैसे ही आपने एंटीसीडेंट बोला है एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आप डालिए रिलेटिव प्रोनाउन नॉट आफ्टर वर्ड तो आपका वाक्य बात क्या बनेगा आई विथ माई फैमिली कॉमा विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड थ्री चिल्ड्रन रिसाइड इन ए विलेज नियर पुणे इज इट क्लियर सो दिस दिस शुड मेक वेरी क्लियर टू यू दैट रिलेटिव प्रोनाउन कम्स सून आफ्टर एंटीसीडेंट ओके नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन वॉट इज अ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन इसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़े हुआ व्हाट ये तीन वर्ड हमने पढ़े थे हु विच और व्हाट इनमें यदि हम एवर लगा दें या सो so एवर लगा दें तो ये सर्वनामों को इनको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हु विच और व्हाट। इसमें यदि हम एवर uh, या सो so एवर लगाने से क्या बनता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हु सो एवर हु एवर वाट सो एवर वाट एवर विच एवर विच सो एवर ये भी इन एंटीसीडेंट में ये छिपे रहते हैं इनके जो एंटीसीडेंट रहते हैं इनके जो एंटीसीडेंट रहते हैं ये हिडन रहते हैं हुर हुए वो, जो कोई भी Ever, मतलब क्या होगा जो कोई भी व्हाट्स मतलब क्या एवर दाई हैंड फाइंड व्हाट्स your योर हैंड फाइंड ब्रिंग इट तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी लगे उसे ले आओ व्हाट्स your योर हैंड फाइंड ब्रिंग इट तो ये एक एवर ever, ever, which so whichever whichever एवर हु इसके साथ इसका उपयोग होता है और इसमें एंटीसीडेंट हिडन रहता है ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं और एंटीसीडेंट हिडन रहता नाउ लेट्स टर्न टू सम एक्सरसाइज अब कुछ हम लोग थोड़ा अभ्यास करें और टेस्ट करें हाउ वेल वी हैव लर्ट द बॉय वॉज वेरी प्राउड हैड वन द फर्स्ट प्राइज एक सेंटेंस यह लिखा द बॉय वॉज वेरी प्राउड ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज सवाल क्या है इसमें आप ये प्रश्न देखकर जब मैं सर्वनाम की चर्चा कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या सवाल पूछा जा रहा द क्वेश्चन माइड बी हाउ टू कम्बाइन द टू हाउ टू कंपाइंड कंबाइन द टू बायिंग conjunctive pronoun by using relative pronoun or any other pronoun that you think so it has something to do with pronoun another sentence is this is my cousin i was speaking of him this is my cousin i was speaking of him next sentence we all despise a cowardly boy कावर्डली बॉय डिस्पाइस करना मतलब नफरत करना डिस्पाइज करना मतलब नफरत करना कावर्डली मतलब कायरता वाला जो कायर है एंड नेक्स्ट सेंटेंस वी टेक दिस इज द कैट इट किल द रैट दिस इज द कैट इट किल द रैट चार सेंटेंस आपने देखा ये चार सेंटेंस को आपको युग्म में वाक्य हैं दो पेयर में हैं हमको एक बनाना है दोनों को एक एक करना द बॉय वॉज वेरी प्राउड ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज द बॉय हु हैड वन द फर्स्ट प्राइज वॉज वेरी प्राउड द बॉय हु हैड वन द फर्स्ट प्राइज इज वेरी प्राउड राइट दिस इज माई कजन आई वॉज स्पीकिंग ऑफ हिम ऑफ हिम दिस इज माई कजन I was speaking of him. How to combine it? This is the cousin I was speaking of. This is the cousin, this is my cousin I was speaking of. Next, this is the cat, it killed the rat. This is the cat, it killed the rat. This is the cat that killed the rat. This is the cat that killed the rat. Okay. So, this is how we combine. Now, let's do another reverse. Do alag karo. Inko do alag karo. For example, the boys gave a loud shout which was heard across the river. The boys. The boys gave a loud shout विच वॉज हर्ड एक्रॉस द रिवर अब इसको अलग करना दो वाक्यों में करना क्या होगा द बॉयज गेव ए लाउड शाउट द लाउड शाउट वॉज हर्ड एक्रॉस द रिवर विच किसके लिए हुआ लाउड शाउट के लिए सिमिलरली ब्रिंग ब्रिंग मी द बुक दैट इज ऑन द टेबल ब्रिंग मी द बुक दैट इज ऑन द टेबल bring me the book that is on the table bring me the book the book is on the table it was a wretched hut in which she lived wretched मतलब बहुत ही जर्जर जर। बहुत ही जर्जर जर। it was a wretched hut in which she lived wretched मतलब जर्जर जर। क्या बनेगा इसका It was a wretched hut. The hut. She lived in a wretched hut. It was a wretched hut in which she lived. So isko alagala karengito? She lived in a hut. The hut was wretched. She lived in a hut. The hut was wretched.

The corn is ripened. So, which is used for the corn? Connect, it's like conjunction, conjunction, conjunctive pronoun. So, I think you have understood, and now you can combine two sentences, you can separate two sentences, you are familiar with now relative pronoun and types thereof. नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दी टाइप्स ऑफ प्रोनाउ अंतिम जो उसका प्रकार है जो हमारे लिए अध्ययन की दृष्टि से उचित है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक जैसा शब्द से स्पष्ट है प्रश्न उससे प्रश्न जाहिर होता है अंग्रेजी में उसे कहते हैं इंटरागेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव आई एन टी ई डबल आर ओ इंटर जी ए टी आई इंटरगेटिव प्रोनाउन और ये प्रोनाउन की यदि बात करें तो बड़ा सरल है इंटरगेटिव प्रोनाउन को पता लगाना उदाहरण के लिए देखिए हु इज दिस हु जो है वो किसके लिए उपयोग हो रहा है इसका उत्तर क्या आएगा राम इज देर श्याम इज देयर प्यून इज देयर डॉक्टर इज देर कोई संज्ञा आएगी संज्ञा के बदले संज्ञा जानने के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग हुआ है प्रश्न पूछने के लिए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया हु आर यू टॉकिंग अबाउट तुम किसके बारे में बात कर रहे हो किसके लिए होम डू यू वॉन्ट तुम्हें कौन चाहिए होम डू यू वॉन्ट कौन चाहिए कौन का उत्तर कोई संज्ञा ही होगी तो ये संज्ञा के बदले प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में जब उपयोग होता है तो वो प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क के रूप में जब उपयोग होता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो विच इज दिस हाउस विच इज हाउस वॉट इज द मैटर दूसरे शब्दों में हु विच विच वॉट ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं प्रश्नवाचक संज्ञा जिसका उत्तर निकलेगा जो ये इटैलिक्स में जो वर्ड लिखे हुए हैं ये संबंध कारक सर्वनाम के समान होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के समान है लेकिन थोड़ा अलग है क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए हुए देखिए यही शब्द आपने रिलेटिव प्रोनाउन में सीखा था पर वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन में उसका अर्थ प्रश्नवाचक नहीं था कौन क्या कैसे ये वहाँ पे अर्थ नहीं था वहाँ पे उसका अर्थ क्या था जोड़ने के लिए संबंध बताने के लिए दो वाक्यों को जोड़ने के लिए संज्ञा के लिए वहाँ पर इसका उपयोग दूसरा था लेकिन यहाँ पर प्रश्न वाचक के रूप में हो रहा है शब्द वही हैं पर उसके अर्थ देखिए यहाँ थोड़े अलग हैं क्योंकि प्रश्न है और अंत में इसमें याद रखेंगे प्रश्न चिन्ह लगता है हम में से बहुत से लोग प्रश्न तो बनाते हैं प्रश्न लिखते हैं लेकिन आखिरी में पूर्ण विराम डाल देते हैं या कुछ भी नहीं करते ये गलत है हमें पूर्ण विराम या कुछ अन्य चीज़ ना डाल के के प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है क्वेश्चन मार्क सो व्हाट इज द मैटर क्वेश्चन मार्क व्हाट का मतलब यहाँ क्या है क्या वॉट डू यू वॉन्ट क्वेश्चन मार्क वाट का अर्थ क्या है क्या और वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम में what का अर्थ क्या था जो यहां पर इसका अर्थ हो गया क्या आयाज हु ये देखिए यहां पे हु एक अलग ढंग से उपयोग हुआ अप्रत्यक्ष तरीके से प्रश्न पूछने के लिए उपयोग हुआ आया मैंने पूछा कौन बात कर रहा था मैंने पूछा कौन बात कर रहा था आई आज हु वॉज स्पीकिंग आई डोंट नो हु वॉज देयर हु वॉज देयर तो आई डोंट नो हु वॉज देयर कौन था वहां मैं नहीं जानता टेल मी वॉट यू हैव डन बताओ तुमने क्या किया है तो क्या कौन कैसे कहाँ ये जो प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे क्या कहलाएंगे इंटरोगेटिव और यही शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में भी उपयोग होते थे लेकिन वहां इनका अर्थ होता था जो कनेक्ट करते थे जोड़ते थे अब इन वाक्यों को थोड़ा देखो दैट नाइफ नाइफ मतलब चाकू हु गेव यू दैट नाइफ इसमें हु जो है वो क्या है नॉमिनेटिव केस करता आपको याद होगा का, कौन काम कर रहा है नॉमिनेटिव केस कौन है हु उत्तर क्या आएगा राम ने दिया तो राम क्या हुआ करता शाम ने दिया जो भी नाम आएगा वो करता है तो ये जो हु जो है वो नॉमिनेटिव केस में है ऐसे बुक इज दिस ये पजेसिव केस में किसकी किताब संबंध बता रहा है हुज बुक इज दिस पजेसिव होम डू यू सी तुम किस को देखते हो टू होम डू यू स्पीक तुम किस से बात करोगे टू होम डू यू स्पीक यहाँ पर एक्यूज तुम किस से बात करोगे कर्म कारक हो गया तुम करता हो गया किस से कर्म कारक हो गया एक्यूजेटिव केस हो गया तो वॉट इज दैट नॉमिनेटिव वो क्या है नॉमिनेटिव वॉट डू यू वॉन्ट तुम क्या चाहते हो यहां पे भी नॉमिनेटिव होगा कि कुछ और होगा तुम क्या चाहते हो वॉट यू वॉन्ट तुम क्या चाहते हो कर्म कारक होगा चाहना वॉट क्या चाहना चाहना से जुड़ा विच इज ही नॉमिनेटिव केस सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट नॉमिनेटिव केस में मैस्कुलिन फैमिनिन दोनों में हु आता है पजेसिव में हु जाता है सिंगुलर प्लूरल दोनों में और एक्यूजेटिव में भी मैस्कुलिन फेमिन सिंगुलर प्लूरल दोनों में हुम या हु ही रहता है आजकल जो है फिलहाल इन प्रेजेंट डेज हुम से ज़्यादा हम हु का उपयोग करते हैं हुम इज यूज लेस वी यूज हु मच मोर इन स्पोकन इंग्लिश सिमिलरली वॉट और विच के विभिन्न कारकों में कोई रूप नहीं है जैसे हु का हुम हो गया ऐसे व्हाट का कुछ और होगा या विच का कुछ और होगा जो दूसरे कारक हैं नॉमिनेटिव केस एक्यूजेटिव केस और जो तीसरा जो आपका पॉजिटिव केस है इसमें इनके अलग रूप नहीं होते इनका रूप वही रहता है और शायद इसी कारण होम जो है उसका उपयोग कम हो गया और हम एक ही उपयोग करते हैं हु दैट इज नॉमिनेटिव केस में ही उसका उपयोग करते हैं हु का जो प्रयोग है वो केवल व्यक्तियों के लिए होता है जैसा पहले भी आपको संबंध कारक में बताया गया केवल व्यक्तियों के लिए ही का उपयोग होता है हु इज कमिंग एटसेट्रा एटसेट्रा जैसे हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है विच का उपयोग जो होता है व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है अब विच में और हु में अंतर क्या है विच मतलब एक तरीके से सिलेक्शन का भाव रहता है किसे चुनना है विच पेन इज बेटर हु इज बेटर नहीं बोलेंगे हु बेटर नहीं बोलेंगे विच पेन इज बेटर एक सिलेक्शन का कौन सा बेहतर है और जब सिलेक्शन की बात होती है तो निश्चित रूप से एक सीमित संख्या के अंदर सिलेक्शन कौन सा पेन बेहतर है भाई ये कि ये विच हाउस इज बेटर विच फैमिली यू आर टॉकिंग अबाउट विच फैमिली यू आर टॉकिंग अबाउट किस परिवार की बात कर रहे हो एक तरीके से सिलेक्शन की बात हो रही है विच इज योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त कौन है ये है ये है विच आर योर बुक्स तुम्हारी किताब कौन सी ये है ये या ये है So इस प्रकार सीमित व्यक्ति सीमित वस्तुओं के लिए और वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों के लिए विच का उपयोग होता है और एक तरीके से इसमें सेलेक्शन का भाव रहता है का प्रयोग केवल वस्तु व्यक्तियों के लिए विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए अब व्हाट का प्रयोग केवल वस्तु के लिए बहुत सरल है आपके लिए याद रखना फिर से दोहरा दूं। हु का उपयोग केवल व्यक्तियों के लिए विच का उपयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए और व्हाट का उपयोग केवल वस्तु के लिए व्हाट हैव यू फाउंड तुमने क्या पाया हम ये नहीं पूछेंगे हु हैव यू फाउंड या विच हैव यू फाउंड ये नहीं पूछ हम वॉट तुमने क्या पाया है वॉट वॉट हैव यू फाउंड वॉट डू यू वॉन्ट तुम क्या चाहते हो वस्तु केवल वस्तु के लिए वॉट हु के बदले वॉट वाद का उपयोग नहीं होगा सो यू नो वॉट डू यू वॉन्ट वॉट डिड दे से ये सब सर्वनाम हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरागेटिव सो हु विच और व्हाट में अंतर आप समझ गए हैं ऐसी जो कथन होते हैं वाक्य होते हैं जैसे व्हाट आर यू तुम कौन हो व्हाट इज ही वो कौन है तो वहाँ पे हम व्हाट का उपयोग करते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करता बल्कि उसके व्यवसाय उसकी नौकरी उसकी आदत इस पे संकेत करता है वहाँ भी हम वॉट का उपयोग करते हैं विच या हो का नहीं तो वॉट का उपयोग यहाँ हमने देख लिया निर्जीव के लिए वॉट का उपयोग दूसरा हमने देख लिया कि वॉट का उपयोग हम करते हैं कथन के लिए वाक्यों के तुम कौन हो मैं व्यापारी हूँ अब वैसे तो व्यापारी एक सजीव व्यक्ति ही होगा पर व्यक्ति को इशारा ना करके उसके प्रोफेशन की ओर यदि बात कर रहे हैं व्यक्ति की ओर इशारा करके ना करके उसके नौकरी की ओर बात कर रहे हैं तो वॉट आ जाएगा अब एक थोड़ा सा अपवाद इसमें देखो यहाँ एक सवाल हु इज ही यदि मैं पूछता हूँ हु इज ही तो क्या आएगा वॉट इज हिज नेम और हु इज ही में अंतर समझ गया आप उसका नाम क्या है ये कौन है ये कौन है मिस्टर घोष वॉट इज हिज नेम मिस्टर घोष तो जब हम नाम पूछ रहे हैं तो वॉट आ रहा है लेकिन व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं सजीव व्यक्ति की ओर तो हु आ रहा है तो ये दोनों में अंतर आपको समझना चाहिए वॉट आर यू आई एम ए डॉक्टर is इज ही इज एन इंजीनियर हु इज ही यदि पूछते हैं तो हु इज ही इज अ डॉक्टर नो हु इज ही इज अ मैन हु इज ही इज माई रिलेटिव वहां पर हु आएगा लेकिन यदि मैं वॉट लगाता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम आस्किंग अबाउट हिज प्रोफेशन हिज जॉब एटसेट्रा नाउ फर्दर मोर विच और वॉट का प्रयोग प्रश्नवाचक के रूप में देखो यहां कैसे हुआ है विच बुक आर यू रीडिंग वॉट बुक आर यू रीडिंग नहीं है विच बुक आर यू रीडिंग अब व्हाट बुक आर यू रीडिंग और विच बुक आर यू रीडिंग में क्या अंतर होगा विच बुक आर यू रीडिंग में जैसा मैंने बताया निर्जीव के लिए होता है और सजीव के लिए भी होता लेकिन एक 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 तरीके से उसमें सिलेक्शन की भावना रहती तो विच बुक आर यू रीडिंग मतलब यहाँ कई किताबें रखी हैं उसमें से कौन सी किताब पढ़ रहे हो एंड वॉट बुक आर यू रीडिंग मतलब आप की किताब का शीर्षक क्या है कौन ये वाली किताब पढ़ रहे हो क्या दोनों में अंतर समझ गया वॉट बुक आर यू रीडिंग एंड विच बुक आर यू रीडिंग में क्या अंतर है विच बुक आर यू रीडिंग मतलब इनमें से कौन सी किताब पढ़ रहे हो और वॉट बुक आर यू रीडिंग मतलब तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो उसका नाम बताओ उसका परिचय बताओ उसमें सिलेक्शन वाली बात नहीं है विच वे शैल वी गो विच वे शैल वी गो मतलब हम किस रास्ते चलें? कई रास्ते हैं एक रास्ता हमको चुनना है विच वे विचवेशल गो। लास्ट इज वॉट मैनर ऑफ मैन इज दिस वॉट मैनर ऑफ मैन इज दिस दैट इवन द विंड एंड द सी ओबे हिम। वॉट मैनर ऑफ मैन इज दिस किस मैनर का व्यक्ति है किस व्यवहार का व्यक्ति है तो यहाँ पे वॉट आया चॉइस की बात नहीं है सेलेक्शन की बात नहीं है चुनने की बात नहीं है तो जब ऐसा नहीं है तब वॉट होता है और जब चॉइस होती है तो विच रहता है नाउ टू कंक्लूड अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोनाउंस एश्चन्स एंड वी विल वाइंड अप सो फर एज प्रोनाउन इज कंसान ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर लेट सी सम पॉइंट ट्राई टू अंडरस्टैंड जब हम एक तो मैंने आपको बताया था एवर 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 सो लगाने का उपयोग मैंने आपको बताया यू शुड बेयर इन माइंड कि ये जो इनका उपयोग जब हम करते हैं प्रश्नवाचक में इंटरगेटिव में एवर टोल्ड यू सो यदि मैंने कहा Whosoever told you so, तुमको किसने कहा है तो हम जोर देते हैं So एवर लगाने से हु told you so और हुए told you so में अंतर यह है कि हम जोर दे के बोल रहे तुमको किसने बोला है वॉट एवर आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो तो जोड़ देने के लिए बलात्मक प्रयोग के लिए हम इसका उपयोग कई बार इस तरीके से करते हैं जब हम सो so एवर लगा देते हैं अधिक तीव्रता का बोध करते हैं अधिक इंटेंसिव बनाते हैं अधिक जोर लगाते हैं उसमें उस बात पर अधिक संज्ञान देते हैं हुए -so किसने कहा जब हम ऐसा कहते हैं तो हम कहते हैं हुन सेंटर सेड सो इज ए डिफिकल्ट सेंटर सो वी मूव टू द एक्सरसाइजेज एंड प्रश्नवाचक सर्वनाम पर हम कुछ छः सात वाक्य बनाए प्रश्न है डैश विशेष टू सी यू प्रश्नवाचक वाक्य हैं। पहला स्थान खाली है डैश विशेष टू सी यू जब प्रश्नवाचक है मैंने आपको बताया था आखिरी में इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाएं प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं डोंट फोगेट सो डैश विशेष टू सी यू प्रश्न इंटरटिव क्या बनेगा वर्ड विल यू फील हु टू सी यू तुम्हे कौन देखना चाहता है डैश डू यू विश टू सी डैश डू यू विश टू सी प्रश्न वक बनाइए होम डू यू विश टू सी तुम किसे देखना चाहते हो होम डू यू विश टू सी डैश डिड ही इन वाइट डैश डिड ही इन व्हाइट क्वेश्चन मार्क होम डिड ही इन व्हाइट उसने उसे किसे बुलाया है उसने किसे बुलाया है होम डिड ही इन वाइट अबाउट डैश आर यू स्पीकिंग About whom are you speaking? डैश डू यू मीन डैश डू यू मीन क्वेश्चन मार्क मीन मतलब अर्थ पर यहां वाक्य देखिए क्या बनेगा डैश डू यू What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब क्या है तुम्हारे कहने का क्या कहना चाहते हो तुम्हारे कहने के क्या अर्थ हैं क्या मायने हैं जब ऐसा बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं व्हाट डू यू मीन वॉट आएगा फिर इसके बाद डैश ऑफ द गर्ल्स कैन सी द बेस्ट डैश ऑफ द गर्ल्स कैन स्यू द बेस्ट एस ई डब्ल्यू स्यू मैंने सिलाई करना डैश ऑफ द गर्ल्स कैन स्यू द बेस्ट, क्या आएगा वाट वाट ऑफ द गर्ल्स हुम ऑफ द गर्ल हु ऑफ द गर्ल हुज़ ऑफ द गर्ल्स वॉट विल कम देश ऑफ द गर्ल्स कैन सू द बेस्ट कौन सबसे अच्छा सिल सकता है कौन सबसे अच्छा सिल सकता है द गर्ल्स इन लड़कियों में कौन सबसे अच्छा सिल सकता है क्योंकि मैं खास लड़कियों की बात कर रहा हूं द गर्ल्स जिनकी चर्चा पहले हो चुकी है अब यदि ऐसी खास लड़कियों की बात कर रहा हूँ तो सिलेक्शन है इनमें से कौन लड़की सबसे अच्छा सिल सकती है जब इनमें से तुलनात्मक हो तो क्या सिलेक्शन हो तो कौन सा वर्ड आएगा विच ऑफ़ द गर्ल्स मैंने बताया था विच का उपयोग सजीव में और निर्जीव दोनों में होता है तो यहाँ पे विच ऑफ द गर्ल बाय डैश वॉज द बुक रिटर्न बाय होम वॉज द बुक रिटर्न right so these are few words where you have to use prashnavachak sarvanam interrogative pronoun and use it appropriately now i read out few sentences for you to do the exercise at home dash came here yesterday question mark fill it up properly dash came here yesterday question mark dash do you consider right dash do you consider in the right Dash Mekya. Dash is the Dash is life worth question mark. Dash is life worth worth W O R T H. Dash did he say? Question mark. Dash is that for question mark. Dash is that for and dash do you prefer? Dash do you prefer?

मैं फिर से दोहरा दूं आपने यहाँ देखा होगा कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वाक्य में हमेशा सबसे पहले आते हैं क्या क्यों कैसे कौन कहाँ किधर ये सब पहला शब्द होता है मोस्ट ऑफ द सेंटेंस अदरवाइज दो चार ही टाइप के सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें वो दूसरा शब्द होगा प्रश्नवाचक शब्द जो है वो उस वाक्य का दूसरा शब्द होगा अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ़ द सेंटेंसेज आई वुड से राधर ऑलमोस्ट नाइंटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट सेंटेंसेज में द इंटरगेटिव सेंटेंस बिगिन विद इंटरगेटिव प्रोनाउन एम आई क्लियर विद दिस यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोनाउन इज कम्प्लीट एंड एज यू आर अंडरस्टुड हैविंग सीन द प्रीवियस लेक्चर On Sangya, that is noun, on adjective, that is Visheshan, and on Sarvanam. Also on tense formation, active passive, quite a good deal of learning in grammar has been done. And you can be rest assured of the confidence that should be there in you after having understood all these lectures.